हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं फिर से कहीं निकल पड़ी हूँ घूमने के लिए अपने भाई बहनों के साथ। अभी हम रुकेंगे पहले स्टॉप चाय के लिए, और ये देख सकते हैं आप शीतल मैडम चाय कैसे पी रही हैं। ये एक्चुअली साउथ इंडियन स्टाइल है, वहाँ पे हम ऐसे ही चाय पीते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसको, इससे चाय ठंडी होती है जल्दी। जैसे कि आप सब जानते हैं मैं एक योगा टीचर हूँ, तो मेरे लिए ये जगह आना तो लाइक एक ड्रीम कम ट्रू है। बहुत दिनों से वेट कर रही थी मैं आदि योगी के दर्शन करने के लिए। तो फाइनली हमारा सीन बना कि चलो चल लेते हैं जाके। मेरे घर से लाइक फ्रॉम बैंगलोर कोयम्बतूर हमें पहुँचने में 6 घंटे लगे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो जब हम जहाँ से मैंने एंटर किया है वो ईशा योगा सेंटर का एंट्रेंस है। तो ये जो पूरी यहाँ पे जो पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, ये लोकेशन अपने आप में ही इतना खूबसूरत है कि वहाँ अगर आप एक बार चले जाएं तो वापस आने का तो मन बिल्कुल भी नहीं करता है। और जब हम यहाँ जा रहे थे तो हमें दूर से आदि योगी का स्टैचू दिख रहा था, एंड दैट मोमेंट वॉज लाइक लिटरली मेरे लिए तो वो गूज बम्प्स का मोमेंट था, बिकॉज बहुत दिनों से वेट कर रही थी। आदि योगी की जो स्टैचू जो बनाई गई है वो 34 मीटर टॉल, दैट इज़ 112 फिट, और 45 मीटर लॉन्ग, 147 फिट, और 25 मीटर वाइड है, दैट इज़ 82 फिट। ये एक स्टील का बना हुआ आकार है, और जैसे कि हमें दूर से ये लग रहा होगा कि ये स्टोन का है या फिर बट ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं पास गई थी, जब मैंने इसको टच किया था, ये एक स्टील का स्टैचू है। This statue is designed by Sadhguru. It is recognized by the Guinness World Records as the largest bust sculpture in the world. Hatha Yoga Pradipika में ये चीज़ mention किया गया है कि शिव जी को ही हम अपने पहले योगी मानते हैं। That is इस रूप को आदि योगी का नाम दिया गया है। आदि योगी मतलब जो सबसे सर्वप्रथम जो योगी हैं उनको हम आदि योगी कहते हैं। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा पूजनीय जो हैं हमारे शिव जी हैं। यहाँ आदि योगी के दर्शन करने के बाद हम ज्ञान लिंगम की तरफ निकल पड़े, और वहाँ जाने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया था। मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, गांव में तो इसको हम बैलगाड़ी कहते थे, बट अब पता नहीं थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया इसका नाम। बट जैसे आप देख सकते हैं दोनों साइड का व्यू, तो भाई मतलब मैं शब्दों में बता नहीं सकती कितना सुंदर लग रहा था। आप वीडियो में ही देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। ध्यान लिंगम में फ़ोन अलाउड नहीं था तो मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई थी। वहाँ से वापस आने के बाद हमने कुछ नया ट्राई किया है, जैसे आप मेरे भाई की शक्ल देख रहे हैं। मैंने नल्ले का ही ट्राई किया था ये। बहुत ज़्यादा ठंडा था। पूरा दिन वहाँ पे बिताने के बाद लास्ट टाइम आदि योगी के सामने मैं सर झुकाते हुए अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने लिए भी कुछ मांगते हुए, बिकॉज बस हमारा काम है उनके सामने सर झुकाना, देना ना देना उनके ऊपर है। बस अच्छे कर्म करते रहो, सब कुछ अच्छा होते चला जाएगा। हर हर महादेव। वहाँ से हम फिर घर की तरफ निकले, और यहाँ पे मुझे ये फ्लावर्स बहुत ही क्यूट लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पे इनकी वीडियो बनाई थी। और ये सब वहीं का है, ईशा योगा सेंटर। हर हर महादेव। बस सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। आदि योगी से बस अब हम घर की तरफ निकलते हुए बहुत सारी अच्छी यादें लेके जा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम अपनी फैमिली के साथ दोबारा होंगे यहाँ पे विद इन अ ईयर। लेट्स सी, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।